प्रोग्राम का आगाज करेंगे तो मैं निसार साहब को बुलाना चाहूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। निसार साहब जहां भी ये मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज स्टेज पर तशरीफ लाएं दुआ के लिए। आए हम छोटी सी दुआ करेंगे। कदूस कदूस मेहरबान खुदावंद यीशु नासरी, हम तेरा शुक्रगुजार करते हैं आज के दिन के लिए, वक्त के लिए, टाइम के लिए, मौका के लिए खुदावंद, जो तूने हमें बख्शा, जिंदा की दुनिया में रखा ताकि हम तेरी प्रशंसा करें और तुझे पुकारें। खुदावंद आसमान तेरा तख्त और जमीन तेरे पांव की चौकी है, हम तेरे सुंदर कदमों में आके तुझे सजदा करते हैं। खुदावंद तेरी शौकत अबदी है, तेरा प्यार निराला है, तेरी वफादारी पुश्त भर पुश्त है बाप यीशु राजा। तेरी दीवी नेमतें, तेरी दीवी बरकतों के लिए शुक्र अदा करते हैं खुदावंद यीशु राजा। आज खुदावंद यीशु राजा जो हमारा प्लान है खुदावंद यीशु राजा, तो वो तेरी मर्जी मांगते हैं खुदावंद, तेरी मदद मांगते हैं खुदावंद यीशु राजा। अपने आसमान के दरीचे खोल के बरकत देना और खुदावंद यीशु राजा भाई डीजे बट के लिए और इनकी तमाम टीम के लिए दुआ मांगते हैं और इनके कारोबार के लिए दुआ मांगते हैं और जितने भी खुदावंद यीशु नासरी यहां पे मौजूद है, तेरी हजूरी में है खुदावंद यीशु राजा, इनके तमाम के कारोबार के लिए तेरी बरकत की दुआ मांगते हैं। एक एक जिंदगी खुदावंद यीशु राजा आज तेरी बातों से भर दे और खुदावंद तुझे पुकारे और तेरा नाम ले। खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी करते हैं पूरे प्रोग्राम के लिए, तेरी बरकत को मांगते हैं समानी बाप यीशु राजा। तू आज इस टीम को बड़ी बरकत देना और जो कि खुदावंद यीशु राजा एक बड़ा नेक मंसूबा बनाया गया है खुदावंद यीशु राजा, जिस तरह के ये पूरे पाकिस्तान में चल रहा है खुदावंद यीशु राजा, जो भी इसके अंदर खुदावंद यीशु नासरी शरीक हो तो खुदावंद वो बरकतों से भर जाए, कारोबार में भर जाए खुदावंद यीशु राजा, और इनकी तमाम कमियों को अपने मसीह के नाम से दूर करना। आसमानी बाप तेरी कुदरत को और तेरी रहमत को इन जिंदगियों पर मांगता हूं और जो खुदावंद मौजूद है खुदावंद इनके लिए भी बड़ी बरकत मांगता हूं और जो आने का इरादा रखते हैं उनको भी खुदावंद तू खैर सलामती से बचाना। आसमानी बाप तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो यीशु के नाम से। आमीन। ये खुदा ने किए सारे मामलात। और दूसरी चीज़ ये है कि इस एसोसिएशन का पर्पस जो है एक फैमिली क्रिएट करना है, ठीक है। वो हमने सबसे पहले फैमिली क्रिएट करनी है। जब फैमिली क्रिएट हो जाएगी ना, अभी कल भी मुझे कुछ मैसेजेस आ रहे थे, कुछ बंदों की कॉलें भी आ रही थी कि भाईजान हमारा ये थाने का मसला क्लियर कर दें, भाईजान ये फलाना मसला क्लियर कर दें, और भाईजान बस अभी हमने ली नहीं है, कनेक्टर हमने पहले ही सेलेक्ट कर लिए हैं कि भाईजान उसको कनेक्टर रख लेते हैं, उसको कनेक्टर रख लेते हैं। बेसिक जो मसला है, सबसे पहले अपनी कम्युनिटी को इकट्ठा करें। जब कम्युनिटी इकट्ठी हो जाएगी ना, तो ऐसी की तैसी किसी की सारे मामला जो है ना वो सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो बाकी यही चीज़ें हैं यार, बस कम्युनिटी अपनी जितनी भी है वो सारी इकट्ठी हो, ठीक है, बाकी सोर्सेज भी अपने आप सारे हो जाएंगे। बाकी ज़्यादा बातें मुझे आती नहीं है, तो गॉड ब्लेस यू। रहेल गुजर साहब, जनाब जाहिद नदीम भट साहब, जनाब फाजलिया से डीजे कमांडो साहब, आप इधर स्टेज पर तशरीफ ले। जनाब असलम बिल्ला साहब, यासिर गिल साहब, आप इधर स्टेज पर तशरीफ लें, जिनके तावुन से ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया गया है। और मैं इनको स्टेज पर बुलाने का मकसद है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके सर पर किन लोगों का हाथ है, वो कौन सी हस्तियां हैं। ये वो हस्तियां हैं जो आज हमारे दरमियान मौजूद हैं, जिनका इजाज साहब जनाब वो भी तशरीफ लिया है। इजाज साहब, इजाज साहब वो भी तशरीफ लिया है स्टेज पर। और हमारी जो पाकिस्तान डीजे लाइट एसोसिएशन के जो एडवोकेट साहब हैं जनाब वकास साहब, जोरदार तालियों के साथ इनके इस्तकबाल करें। जी सर, ये वो हमारी कमेटी है
ये हमारी एसोसिएशन है, इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। इस तरह से बात करें पता चलता है कि ये आसिफ टाउन में सरमनी हो रही है। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें जी। और मैं इमरान मिर्जा जो चेयरमैन है उनसे कहना चाहूंगा कि अपने ख्याल का इजहार करें ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो जाए। जी बट साहब आप सबकी हौसला अफजाई करिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाबे मोहतरम चेयरमैन पाकिस्तान डीजे साउंड लाइट वेंडर एसोसिएशन मिर्जा मोहम्मद इमरान साहब, लाहौर पाकिस्तान डीजे साउंड लाइट वेंडर एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब रोहेल साहब, हमारे अपडेटेड अभी जो जनरल सेक्रेटरी हैं जनाब खालिद गौरी साहब, हमारे पाकिस्तान डीजे साउंड लाइट वेंडर एसोसिएशन के सीनियर नायब सदर जनाब मोहतरम एडवन साहब, जनाब मोहतरम शेख अलियास साहब, कोर कमेटी के सीनियर मेंबर जनाब शाहिद भट्ट साहब, हमारी इस पूरी एसोसिएशन का लीगली सारा प्रोसेस देखने वाले मेरे छोटे भाई जनाब मोहतरम शाहिद वकास शाहिद एडवोकेट हाई कोर्ट, और दीगर यहाँ पर सब लोगों को मेरा प्यार भरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम कह दो यार। जिस तरह यासर गिल ने कहा कि तकरीर मुझे नहीं आती, तो दो साल हो गए हैं साउंड एसोसिएशन को चलाते हुए, तो तकरीर मुझे भी नहीं आती। हम बात करते हैं अपने भाइयों की हमेशा, और वन टू वन बात करते हैं हमेशा। मुसीबत में परेशानी में जब आपके कोई साथ चलता है ना, तो आपको वो बंदा याद रहता है। शादी में कोई शरीक हुआ हो ना, वो नहीं याद रहता। जब आपके मुसीबत में जब आपका साथ कमर के साथ कमर लगाकर जब चलता है ना, वो हमेशा आपका साथी रहता है। दुनिया में कोरोना जैसा मौजी मर्ज आज से पहले ऐसा कभी कोई मर्ज नहीं आया था। हम लाहौर वाले नहीं, पाकिस्तान वाले नहीं, पूरी दुनिया इससे मुतासिर हुई। और हमेशा लोग कहते थे कि यार थोड़ा सा बचा लेते हैं, बुरे वक्त पे काम आएगा। ये कोरोना ऐसा था जिसकी वजह से इतना लंबा बुरा वक्त आया कि सब कुछ जिसके पास भी जितना बचा हुआ था सब कुछ इस्तेमाल हो गया। लोग भूखे मरने लगे, कोई किसी के लिए आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं था। हमारी कम्युनिटी की बात करता हूं, हमारे ये साउंड वाले, लाइट वाले, डीजे वाले, फूलों वाले, फोटोग्राफर, वीडियो वाले, ये स्टेज वाले, स्क्रीन्स वाले, मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करूंगा मिर्जा मोहम्मद इमरान साहब का, जिन्होंने सबसे पहले इस बात के लिए कहा कि एक एसोसिएशन होनी चाहिए हमारी सारे भाइयों की, जिस पे जिस तरह भी मेरे मोजस भाई ने कहा, रात को अक्सर जब आप साउंड सिस्टम खाली भी लेकर जा रहे होते हो, पुलिस ऐसे ही पर्चा दे देती है फजूल में। हमारे आपस में पैसों के लेन देन, क्लाइंट्स के साथ मसले मसाइल, आपस की दुश्मनियाँ, एक दूसरे को नीचा दिखाना, साउंड सिस्टम वाले, डीजे वाले हत्ता के सबसे ज़्यादा आपस में लड़ते हैं। और जब हमने ये साउंड एसोसिएशन बनानी शुरू की, बेशुमार लोगों ने टांग खींचना शुरू की कि यार ऐ ते हो ही नहीं सकता, ओए ऐ ते आपस च रल ही नहीं सकदे, ए ते आपस च मिल नहीं सकदे, ए कदी हो ही नहीं सकता कि इकट्ठे हो जाए। लेकिन 12 मई 2022 को दो साल योम तासीस में आपने लिखा कि 86 शहर इकट्ठे आपने स्टेज के ऊपर यहां पर देखे, जो लाहौर में हमने इवेंट किया। 86 सिटी जुड़ चुके हैं, 7 लाख मेंबर बन चुका है हमारा। पिछले साल के अंदर पूरे पंजाब के अंदर पाकिस्तान का जो एम्पलीफायर एक्ट नाफिज हुआ है, पंजाब एम्पलीफायर एक्ट नाफिज हुआ है, उसके अंदर हमेशा ज्यादतियां आती आ रही थी, लेकिन पिछले साल हमने उस पर इतना कंट्रोल पाया कि 1 महीने में 2 से 3 FIR सिर्फ होती हैं अब, और वो भी एक जायज़ FIR है, कोई वायलेशन करता है तो उसकी FIR कट जाती है।
तकरीबन 30 से ऊपर गरीब साउंड वाली बच्चियों की शादियां कर दी। इनका पूरा रिकॉर्ड हमारी कोर कमेटी के पास मौजूद है और इसके लिए किसी से हमने चंदा नहीं मांगा। ये जितने मोजज हमारे अहदेदारान हैं सब ने अपनी जेब से 5,000 से लेकर 5,00,000 जितना भी हो सका सब ने पैदा किया और दिया। चार लड़कों की डेथ हो गई पाकिस्तान के अंदर, एक कराची में, 3 पंजाब में। हमारे इलेक्ट्रिशियन भाई थे, लाइट वाले भाई थे, काम करते हुए करंट लगा, मौके पे डेथ हो गई। गरीब बच्चे थे, उनका घर पे कोई कमाने वाला नहीं था। जितना हो सकता था पाकिस्तान डीजे साउंड लाइट वेंडर एसोसिएशन ने उनके घर पर जाकर उनके लवाहकीन को माली इमदाद फ्राहम की। इस्लामाबाद का एक बड़ा मशहूर केस था, शायद बेशुमार लोगों को पता हो, उसके गुर्दे फेल हो गए हुए थे और वो तकरीबन मरने की पास था। उसको ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं थे, हर जगह उसने आवाज़ उठाई, किसी ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी। पाकिस्तान डीजे साउंड लाइट वेंडर एसोसिएशन ने ना सिर्फ उसका इलाज करवाया बल्कि उसको जो फंड मुहैया किए गए उसने रिफंड वापस किए कि मेरे पास ऑपरेशन के बाद इतने पैसे बच गए हैं। अल्लाह पाक ने उसको सेहत दी, वो कामयाब भी हो, और उसके बाद जो पैसा बच गया उसने पाकिस्तान डीजे साउंड लाइट वेंडर एसोसिएशन को दे दिया। खालिद गौरी मेरे बड़े हैं, एडवन भाई, 2 साल पहले जब हमने 5 मई को जब साउंड एसोसिएशन के लिए काम करना शुरू किया, ये वो मेरे बड़े भाई हैं। जो अहदेदारान हैं उनका तो आपको सबको पता होगा, लेकिन इन दो स्पेशल अहदेदारान का मैं जिक्र करता चलूं। ये जब मैंने 22 साल पहले भी काम स्टार्ट किया, हमेशा मेरी कमर पर बींगा बड़ा भाई हमेशा हाथ रखते हैं, थपकी देते हैं कि डीजे बट कोई चीज़ चाहिए हो हम हाजिर हैं। लेकिन जब साउंड एसोसिएशन हमने शुरू की तो एडवन भाई और खालिद गौरी ने कहा बट तू कम कर, मैं टीवी पे जाकर टॉक करता था, आप लोगों के लिए लड़ता था, आप लोगों के लिए बात करता था, ये हमेशा मेरा हौसला बढ़ाते थे। कभी भी एक इंसान आगे नहीं जाता, हमेशा एक टीम आगे जाती है और ये वो टीम का ही अहम किरदार है कि हम ये सब लोग यहाँ पर जमा हैं। डीजे यासिर गिल को क्रेडिट जाता है, यासिर गिल के लिए स्पेशली तालियां होनी चाहिए। 2 महीने पहले यासिर गिल को साउंड एसोसिएशन के बारे में हमने बताया। लाहौर एक बहुत बड़ा शहर है, इसको मिड से कंट्रोल नहीं कर सकते। हमारे जो लाहौर के प्रेसिडेंट हैं काशिफ मजीद साहब हैं, लाहौर के सरपरस्त आला मलिक अलियास साहब हैं, चेयरमैन रोहेल साहब हैं, वाइस प्रेसिडेंट सीनियर नायब सदर जोन से हमारे बैठे हुए हैं, ये वहां से कंट्रोल नहीं कर सकते। तो हमने एरिया इंचार्ज बनाने के लिए सोचा कि एरिया इंचार्ज बनने चाहिए। आपका कोई मसला होता है ये आपके नौकर हैं डीजे यासिर गिल साहब, ये आज ओहद उठाएंगे, यहाँ पर हल्फ उठाएंगे अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर। ये इसी चीज का इवेंट है, सुबह दोपहर शाम रात दिन जब आपको प्रॉब्लम हो, कोई मसला है साउंड से रिलेटेड, पुलिस का मसला है, आपस में कोई लड़ाई झगड़ा है, क्लाइंट पेमेंट नहीं देता, आप लोग गलत ना होइएगा, इंशाल्लाह ताला यासिर गिल आपके लिए दिन रात काम करेगा, आपके लिए हाजिर होगा। उसके बाद यासिर गिल की टीम को क्रेडिट जाता है, यासिर गिल ने, हमने यासिर गिल को चुना, यासिर गिल साहब ने अपनी एक टीम बनाई जिसको माशाल्लाह एडवन भाई ने अपनी सुपरविजन के अंदर बहुत शॉर्ट टाइम में एक बेस्ट टीम बना दिया। और ये लाहौर की, याद रखिएगा, ये आपके लाहौर की पहली टीम बनी है, अभी तक लाहौर में टीम नहीं बनी, अभी तक एरिया इंचार्ज मुकर्रर हो रहे हैं, लेकिन ये जो पहला इवेंट आपने किया ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि लाहौर एसोसिएशन ने काम जो शुरू किया था वो यूनाबाद से किया था, आसिफ टाउन से किया था। तो ये आप सब लोगों को ये इतना आसान नहीं है, अक्सर लोग जो उनसे है ना, ये मेरी बात याद रखिएगा, ये मैं वीडियो में स्पेशली बताता हूं, गर्मी में ना, शदीद गर्मी में एसी वाले कमरे में बैठ के या कूलर वाले कमरे में बैठ के, बेड के ऊपर टांग पे टांग रखकर ना व्हाट्सएप ग्रुपों में इंतजार फैला रहे होते, ओ यार इन्होंने की करना है, ओ ये कभी जमा हुए नहीं, ओ छड़ परे यार, नहीं जमा करके दिखाया है। और इंशाल्लाह तआला इसी तरह हमारी यूनिटी कायम रहेगी, हमारी साउंड की जो तंजीम है ना उसका बहुत बड़ा एक मंशूर आपको मैं क्लियर करता चलूं, गैर लसानी, गैर मजहबी, गैर सियासी जमात है, इसके अंदर मुसलमान मुसलमान को फोकियत नहीं देगा,
ना क्रिश्चियन क्रिश्चियन को फोकियत देगा, इसमें इंसानियत सबसे पहले देखी जाएगी। मेरा लीडर इमरान खान है, एडवन भाई का लीडर कोई और होगा, उनका कोई और होगा, लेकिन मैं कभी पीटीआई के लिए अपनी एसोसिएशन को नहीं कहूंगा कि जाके इमरान खान को वोट डालो। ये मेरे घर का मसला है, ये यूनियन मेरे घर की यूनियन है, इसमें कोई सियासी जमात का अमल दखल नहीं है कि फला रोड ब्लॉक कर दो, फला ये कर दो, फला के लिए वोट जाए। कभी ऐसा नहीं हमने करना, ना हम कर रहे हैं ना करेंगे इंशाल्लाह ताला। और उसके साथ साथ गैर लसानी, मैं बट टू, मैं कौम बट को प्रेफर नहीं करूंगा। इसी तरह डीजे यासिर गिल से भी रिक्वेस्ट होगी कि अगर गिल और खोखर की आ गई है तो आप गिल को नहीं, आप हमेशा अमानत के साथ, दयानत के साथ फैसला कीजिएगा। और इंशाल्लाह ताला आपके फैसले को अगर कोई चैलेंज करेगा, हम बैठे हुए इंशाल्लाह ताला, हमारे ये लीडरान बैठे हुए हैं। अक्सर आपने देखा है कि काजी जज साहब तो अदालत में फैसला बाद में करते हैं। आपको पता है एक थाना होता है, मॉडल टाउन थाना कहलाता है, यहाँ पर आसिफ टाउन थाना होगा, वहाँ पर एक एसएचओ मुतय्यन किए थे, एरिया इंचार्ज, सब लाइक दैट। अगर मेरे इलाके में भी अगर एरिया इंचार्ज होगा, मैं भी उसके अंडर आता हूँगा। तो इसी तरह हमारा जो एरिया इंचार्ज है, हमने उसे 100% राइट्स दिए हुए, वो हक और सच के साथ आप लोगों के मसले मसाइल इंशाल्लाह ताला सॉर्ट आउट करेगा। थैंक यू सो मच, शॉर्ट टाइम है, मैं एडवान साहब से गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ आप अपनी कम्युनिटी को जिस तरीके से बहुत शॉर्ट टाइम में लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं। मैंने जितने हमारे क्रिश्चियन सीनियर साउंड इंजीनियर्स थे, डीजेस थे, मैं सब के पास बारी बारी गया हूँ, और मैं फिर दरख्वास्त करूँगा, हमें वो चाहिए जो फील्ड में जाकर हमारे भाइयों के लिए काम करे और दिन रात काम करे। थैंक यू सो मच। और अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहूनाबाद के डीजे मास्टर पास आप यहाँ पर मौजूद हैं, उनके लिए जोरदार क्लैपिंग होनी चाहिए जी। जी नाजी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वासफ टाउन के अंदर, जहाँ पर पूरे पाकिस्तान से डीजे साउंड सिस्टम वेंडर्स का एक प्रोग्राम इनकाद किया गया है, और यहाँ पर औ सरमनी है, और पूरे पाकिस्तान से जो जितने भी अहदेदारान हैं वो यहाँ पर आएंगे। और मेरे साथ आप पीछे बैकग्राउंड देखते हैं कि एक फ्लैक्स भी अवेज़ा की गई है, वो पूरा स्टेज बनाया गया है। यहाँ पर जितने भी यूहन्नाबाद, आसफ टाउन, पुराना काना और कसूर तक के लोगों की ये औ सरमनी यहाँ पर होगी, और जिन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया है वो मेरे साथ मौजूद है। मैं इनसे पूछूंगा तो क्या क्या इकदाम किए जा रहे हैं और क्यों ये ज़रूरत पड़ी कि ये एसोसिएशन बनाई जाए। तो आइए ज़रा इन लोगों से भी बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि साउंड सिस्टम के लिए ये कौन कौन सी ऐसी जो काम है जो उनके फ़ायदे के लिए ऑर्गेनाइज़ ये करेंगे, वो क्या क्या हैं। तो आइए इनसे ज़रा बात करते हैं। इस इवेंट को जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया, मेरे साथ एडवन नज़ीर साहब मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे कि जो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया गया है, कौन कौन से ऐसे जो इलाके हैं जिनको आपने यहाँ पर मदु किया है और उनकी अवसर बनी है, जी बताइएगा। सबसे पहले मेरी तरफ से तमाम देखने वाले दोस्तों को, बहन भाइयों को सलाम। आज शाम इस जगह पर हमने तकरीबन बहार क्रूनी से, यूहन्नाबाद से, आसफ टाउन और कसूर तक जितने भी इस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं उनको दावत दी है, और हमने एक बहुत अच्छा प्रोग्राम डिज़ाइन किया है, ऑर्गेनाइज़ किया है। और बेसिकली इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने का मकसद ये है कि वो लोग जो छोटे छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं किसी भी फील्ड के अंदर हैं, चाहे वो लाइट में है, साउंड में है, डीजे का काम कर रहे हैं, चाहे वो एसएमडी का काम कर रहे हैं, हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है ताकि हम इन सब लोगों के जो मसाइल हैं उनको एक जगह पर, एक प्लेटफॉर्म पर लाकर सुन सकें और उनका सलूशन निकाल सकें। बेसिकली इस एसोसिएशन का मकसद ये है कि वो लोग जो छोटे लेवल पर काम कर रहे हैं उनको बहुत से लोग तंग कर रहे हैं, पुलिस तंग करती है और कुछ ऐसे लोग हैं एजेंसीज तंग करती हैं। इस एसोसिएशन का बेसिकली मकसद ये है कि हम इन लोगों को हेल्प आउट करें, इनकी मदद करें, और वो लोग जो छोटे लेवल पर काम करें किसी वक्त भी कोई मुश्किल उन पर आ पड़ती है तो ये एसोसिएशन पूरी बॉडी और पूरी कोर कमेटी इनके पीछे खड़ी होती है, और इनके साथ लीगली भी, मॉरली भी और फिनंशली भी हर लिहाज से हम इनको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, जितने भी मेम्बर्स जो हैं सरवनी के लिए, तकरीबन कितने मेंबर्स को आपने दावत दी यहाँ पर जिनके असर में नहीं है? आज जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं वो तकरीबन 50 के करीब हैं, 50 लोग आज इस ओथ सेरेमनी में शामिल हो रहे हैं, लेकिन
तकरीबन 200 से ज़्यादा लोग इस पूरे प्रोग्राम को देख रहे हैं और यहाँ पर मौजूद हैं। अच्छा, पाकिस्तान के हवाले से जो एक प्रोग्राम किया गया था पिछले दिनों, तकरीबन पूरे पाकिस्तान से लोग, कितनी तादाद थी साउंड सिस्टम एसोसिएशन के लोगों की और वहाँ पर जो मेम्बर आए थे उनकी तादाद कितनी थी? जो हमारा लास्ट प्रोग्राम हुआ तो वो ऑल पाकिस्तान साउंड लाइट्स और जितने भी इस फील्ड से रिलेटेड लोग हैं उनके ताल्लुक से था। उसमें तकरीबन 3000 से ज़्यादा लोगों ने उस प्रोग्राम का अटेंड किया था और बड़ी कसीर तादाद पूरे पाकिस्तान से, बल्कि बिल्तिस्तान से भी, कश्मीर से भी लोग और दूसरे सूबों से भी लोग, सिंध से, बलूचिस्तान से, पंजाब से, पूरे जितना भी पाकिस्तान का इस फील्ड के साथ रिलेटेड लोग हैं वो सारे लोग इस प्रोग्राम के अंदर आए थे। अच्छा, उसमें मैंने सुना था कि काफ़ी सारे लोगों को जो गरीब तबका से भी साउंड सिस्टम वाले आए थे उनको कुछ इनाम भी दिए गए थे, माइक, लाइट्स और साउंड सिस्टम भी, तो यहाँ पे कुछ इरादा है कुछ देने का? आज शाम ऐसा इरादा नहीं है, ठीक है, लेकिन खुदावंद की मर्ज़ी से फ्यूचर में जब हम इसके बाद दोबारा प्रोग्राम करेंगे, हमारा इरादा है कि हम ज़रूर ऐसे लोगों को जो नीडी हैं, जो इस फील्ड के अंदर आना चाहते हैं, उनके पास फाइनेंस नहीं है, रिसोर्सेज नहीं है, हम उनकी मदद करें। वो लोग जो साहिब हैसियत हैं वो इस फील्ड के अंदर और इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। और पिछला जो हमारा प्रोग्राम था ऑल पाकिस्तान में, उसमें तकरीबन हमने बहुत सारे 10 नौजवान ऐसे थे जिनको हमने साउंड सिस्टम बाकायदा तौर पर A to Z चीज़ें जो थी हमने उनको प्रोवाइड की। उनको कई लोगों को लाइट्स दी गई, कई को स्मोक मशीन की दी गई, कई को पूरा सिस्टम दिया गया ताकि वो अपने तौर पर अपने खानदान को और अपने लिए रोजगार का इंतजाम कर सके। फील्ड के अंदर एक पुराना नाम है, हमारे साथ एजाज साहब मौजूद हैं, हम इनसे पूछेंगे जो एसोसिएशन जो बनी है साउंड सिस्टम एंड लाइट की, और उसमें क्या क्या ऐसी जरूरतें और मजीद आनी चाहिए जो अभी एडवेंस साहब ने हमें तो बताया है, लेकिन और भी इसमें मामलात हैं जो और इकदाम हैं जो आने चाहिए, तो इनसे हम पूछेंगे कोई आइडिया देना चाह रहे हैं ये एसोसिएशन के हवाले से? हाँ जी, मैं आइडिया ये देना चाह रहा हूँ क्योंकि ये साउंड सिस्टम, लाइट, स्क्रीन अभी एक इंडस्ट्री का दर्जा इख्तियार कर गए हैं, क्योंकि हम लोग टैक्स पेयर हैं, हम लोग अपना टैक्स कटवाते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं, कोई भी इवेंट करते हैं, तो लिहाजा इसे इंडस्ट्री का दर्जा जो दे दिया जाए, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये बहुत अच्छा इकदाम है कि जैसे 10 बजे के बाद या 10 बजे से पहले किसी फंक्शन पे या किसी पार्टी पे पुलिस आ जाती थी बंद करवाने की आती, तो वो सारा सामान उठा के ले जाते थे, बंदा अंदर पर्चा हो गया, अगले दिन वो बेचारा साउंड वाला उतने पैसे नहीं कमाता था जितने उसके पर्चे के ऊपर जमानत के ऊपर लगते। और ये बहुत अच्छा कदम है, ये सारी एसोसिएशन जो है इसका पूरा बैकअप करेगी और ये सारा कुछ हर बंदे को, ना को पुलिस वाला तंग करेगा, ना को नजायज उन्हें उठाएगा। और बाकी कहना ये है कि पाकिस्तान में जब से मैं ये काम कर रहा हूँ, ये पहला स्टेप है, इससे पहले इस तरह की कोई सिलसिला नहीं हुआ, इस तरह का कोई कदम नहीं उठाया गया, और ये बड़ा अच्छा कदम है और बड़ी अच्छी बात है कि जितने लोग काम करने वाले हैं, चाहे छोटे वेंडर हैं चाहे बड़े वेंडर हैं, सारे महफूज हैं, और ये एसोसिएशन बनाने का, ये सब कुछ करने का मकसद ही यही है। और इन जो मेम्बरान हैं, जो अहदेदारान हैं, जो इसको लीड कर रहे हैं, उनके नहायत शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने दूसरे वेंडर्स के लिए, सब के लिए एक बात सोची, बहुत शुक्रिया। प्रोटेक्शन के लिए क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं सिर्फ यही चाह रहा हूँ कि हमारे जितने भी बच्चे हैं, बहुत ज़्यादा जो बेचारे एक पैर साउंड का 1,00,000 रुपए का पैर होता है, वो 1,00,000 रुपए ऊपर पुलिस को दे आते हैं और 10 बजे के बाद उनको पकड़ देते हैं, है। इसकी प्रोटेक्शन के लिए भट साहब को, राहिल साहब को, इमरान साहब को, सबको हमें, मुझे ये देखना चाहिए। और इसके लिए हमें एक UNO नंबर, जो क्या नंबर होता है जो बैंकों का, वो ज़रूरी है, हेल्पलाइन नंबर हम होना चाहिए, साउंड सिस्टम वाला का पड़ जाए तो उसी पे कॉल करें आप फौरी तौर पर। यस जी, DJ कमांडो साहब हमारे साथ मौजूद हैं और बड़े ही पुराने काम करने वाले हैं, तो ये जो भी गौरी साहब ने बात की है प्रोटेक्शन के लिए एक हेल्पलाइन नंबर होता है, तो क्या आप गवर्नमेंट बॉडी में हैं तो इस तरह का नंबर कोई आना चाहिए हेल्प के लिए? जी इंशाल्लाह, ये अच्छी प्रपोजल है। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, और मैं सबसे पहले तो इमरान मिर्ज़ा साहब को और भट साहब को और जितने हमारे कोर कमेटी के मेंबर हैं, सीनियर मेंबरान को, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन सबको वेलकम करता हूं और आज के इस इवेंट में इनको मुबारकबाद पेश करता हूं। ये इवेंट सक्सेसफुल है और इंशाल्लाह बाय फुट हम जा रहे हैं और इंशाल्लाह अपनी मंजिल पर पहुँचेंगे। असल में हमारे लिए बात यह है कि हम एक खुले आसमान में तनहा खड़े हैं, हमारे ना कुछ आगे है ना पीछे है,
पुलिस आती है, देखे भी पड़ी हैं, जनरेटर चल रहा है, आके वो डीजे को पकड़ती हैं। डीजे पे आधा घंटा पहले बंद भी हो गया होगा और कहा स्पीकर उठाओ ले चलो इसको। तो ये एक वायलेशन बनी हुई है स्पीकर एक्ट की, जो हम उसको मानते हैं, बट जो पार्टी जो है वो तो हम उसके कहने पर चला रहे हैं ना, हम अपनी मर्ज़ी से थोड़ी चलाते हैं। वहाँ से हम थोड़ा सा लालच ही होता है, नहीं चलाएंगे वो पेमेंट रोक लेगा हमारी। ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं हम लोग, तो इंशाल्लाह हम एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए हैं, लाखों हमारे मेंबर बन चुके हैं और ये 10 लाख से ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है। तो हम अपना जो पावर शो तो नहीं गवर्नमेंट को दिखा रहे, बट ये कि हम खुद एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो रहे हैं और अपनी जो प्रॉब्लम्स हैं, कोई नुकसान हो जाता है हम किसी से नहीं कह सकते, हमारा एक अपना बैंक होगा, हम वहाँ से लोन ले सकते हैं, वहाँ से हम उसको किस्तों में पैसे वापस देंगे। कोई किसी माड़े की कोई बहन की शादी आ जाती है, जो क्रू हमारे साथ काम करते हैं उनको कौन पूछता है, कोई भी नहीं पूछता, हमारे को लीगल एडवाइज़र ही कोई नहीं है। रात को लड़के पकड़े जाते हैं, सुबह सोचता रहता बंदा मैं कहाँ से वकील लेके आऊँ, किस मामे चाचे को पुप्पा को कहूँ, कोई हमारा तो कोई नहीं है, ना कोई एजेंसी में ना कोई फौज में है। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो हम जो पूरी करेंगे इंशाल्लाह करेगी, और ये सारे जो क्रिटिकल कंडीशंस को हम बड़े हैं छोटे हैं सब लोग फेस करते हैं। तो इंशाल्लाह ये इमरान मिर्ज़ा साहब, इन्होंने स्टेप लिया है भट साहब ने, तो हम इनको लब्बैक कह रहे हैं, हम इनके साथ हैं, जहाँ गएंगे हम खड़े होंगे। अच्छा भाई, ये दोस्तों से गुजारिश है कि बैठ जाएं, रास्ते में नहीं खड़ी हो, रास्ते में से साइड पर हो जाएं और जहां जहां जगह मिलती है वहां बैठ जाएं, क्योंकि आज आप बहुत एंटरटेन करने वाले हैं। पूरे साल की, पूरे सीजन की जो थकन है वो आज आपकी दूर होने वाली है। पाकिस्तान के लेजेंड सिंगर जो कि आपके दरमियान है, जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें। एक तकरीर की है, लिटरली इट मेक्स सेंस, और ये स्पेशली हमने भी पेंडेमिक्स देखे हैं और आप सब ने, सो एक बार इस एसोसिएशन के लिए क्लैप कर दीजिए। अभी भी मज़ा नहीं आया, जितने लोग हैं उनकी क्लैपिंग नहीं हो रही। या थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। उसके बाद हम इंट्रोडक्शन करवाते हैं। खुदा
इनके लिए तालियां होनी चाहिए। ये जी हमारे इजाज भाई, इजाज भाई आप अपने भाइयों के लिए क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो इमरान साहब, भट्ट साहब, रोहेल साहब, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ये चीजें हम बड़े साल पहले सोच रहे थे कि इस तरह ये हो जाए, ठीक है, लेकिन जब ये कोरोना आया तो फिर भी ये बात चलती रही कि जी ऐसा कुछ होना चाहिए, कोई ऐसी चीज़ें होनी चाहिए। लेकिन भट्ट साहब और इमरान साहब पहले ही उनकी एसोसिएशन वजूद में आ चुकी थी और मुझे बड़ी खुशी है। बेशक पुराने हैं काम करने वाले, आज के बच्चे नए हैं, नए काम करते हैं, कुछ हमें पहचानते हैं, कुछ नहीं पहचानते। चीज़ ये है कि इन्होंने एक चीज़ रजिस्टर्ड करा दी है, एक चीज़ रजिस्टर्ड करा दी है कि ये एक बाकायदा इंडस्ट्री है। इमरान साहब, अगर मैं गलत ना बोल रहा हूँ, ये एक बाकायदा इंडस्ट्री है, ठीक है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका और अपने सारे दोस्तों से, मेरे चाहे क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं, चाहे मेरे मुस्लिम कम्युनिटी के दोस्त हैं, क्योंकि हम इसमें सब हम इकट्ठे हैं, इसमें कुछ नहीं है, किसी भी बात में भी हम अलहदा नहीं, हम इकट्ठे हैं, अभी इनका पाकिस्तानी हम लोग करते हैं। तो इन बच्चों को मैं मुबारकबाद दूंगा कि आपके ऊपर अभी से इतना बड़ा हाथ आ गया, इतना बड़ा हाथ आ गया तो जो आपको प्रोटेक्ट करेंगे हर हवाले से, जो आपको बड़ा कुछ आपके लिए कर सकते हैं। तो इनकी भी रिस्पेक्ट करें, इनको साथ लेकर चलें और पुरानों की भी रिस्पेक्ट बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच दोबारा, बहुत भट्ट साहब, रोहित साहब, इमरान साहब, एडवन साहब, ठीक है, आपका बहुत शुक्रिया, दिल की गहराइयों से शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।